प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में करीब 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के पहले चरण की आधारशिला रखी है। विकास और आर्थिक असंतुलन को दूर करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की दृष्टि से इस एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि देश भर में तेज गति से संपर्क प्रदान करने को लेकर प्रधानमंत्री की दृढ़ दृष्टि ही इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रेरणा रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने पिछले महीने 16 नवंबर को सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। गंगा एक्सप्रेसवे को भी उनकी गतिशक्ति योजना का हिस्सा माना जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर से बलिया तक गंगा के किनारे 1020 किलोमीटर में ये एक्सप्रेसवे बनाए जाने का प्रस्ताव है। प्रोजेक्ट के पहले चरण में 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजोली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर डांडू गांव तक जाएगा। इसकी पीएम मोदी ने आज आधारशिला रखी है। इसे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया जाएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।